दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की दो शेयर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे टाटा पावर के भी बारे में। टाटा पावर की तरफ से जो यहां पर 5 जुलाई 2021 को उनकी एजीएम हेल्ड हुई है, उसके कल लेट नाइट आउटकम्स यहां पर निकल कर आ गए हैं। साथ ही साथ टाटा मोटर्स को लेकर भी यहां पर कुछ पॉजिटिव अपडेट्स यहां पर निकल कर आ रही है। तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने दोनों शेयर्स को कवर करा है, तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपको टाटा मोटर्स और टाटा पावर से जुड़ी हर एक अपडेट्स इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। तो एक पॉजिटिव क्लोजिंग हमें आज टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि आज की अगर लो की बात करें तो 306.25 रुपए का शेयर ने लो भी बनाया, लेकिन मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि टाटा मोटर्स की इस गिरावट को आपको एक अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए और इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म पर्पस से खरीदारी करना चाहिए। और ऐसा ही कुछ हमें टाटा मोटर्स के आज के ट्रेडिंग सेशन के दौरान भी देखने को मिला। अगर आप टाटा मोटर्स की ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो काफी अच्छी बाइंग हमें यहां पर मार्केट क्लोजिंग के बाद भी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टाटा मोटर्स की एनएसई के अंदर जो 3 बजे तक वॉल्यूम ट्रेड हुई है, अगर उसकी तरफ भी आप नजर मारेंगे तो काफी अच्छी वॉल्यूम हमें यहां पर डेली बेसिस पर देखने को मिल रही है। आज टाटा मोटर्स की 3 बजे तक एनएसई के अंदर 10,41,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसके सामने 1,78,00,000 क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई है। जैसा कि आपको पता है कि टाटा मोटर्स की तरफ से जैसे ही कल, यानी कि जेगुआर लैंड रोवर की तरफ से जैसे ही कल एक न्यूज़ यहां पर अपडेट हुई थी, जिसमें जो उनकी सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज की यहां पर बात निकल कर आई थी, जिसके कारण टाटा मोटर्स के अंदर आपको 10% तक का लोअर सर्किट देखने को मिल गया था। साथ ही साथ द ब्रिटिश कार मेकर सेड इट विल रिपोर्ट अ नेगेटिव ऑपरेटिंग मार्जिन एंड एन ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो ऑफ $1 बिलियन दिस क्वार्टर। लेकिन ये जो शॉर्टेज है ये काफ़ी समय तक नहीं रहने वाली है। यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर टाटा मोटर्स के अंदर जो JLR का बिजनेस है उसके अंदर इस शॉर्टेज को लेकर जो कमी है वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी, तो आपको वापस टाटा मोटर्स के JLR की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार तेजी से यहाँ पर बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेगी। जिसको देखते हुए जानी मानी ब्रोकरेज फर्म ICICI डायरेक्ट ने भी टाटा मोटर्स के अंदर करंट शेयर प्राइस से खरीदारी की सलाह दी और 375 रुपये का यहाँ पर शॉर्ट टर्म का टारगेट दिया है। हालांकि ICICI डायरेक्ट ने पहला टाटा मोटर्स का 400 रुपये का टारगेट दिया था, जिसे यहाँ पर रिड्यूस करके 375 का कर दिया गया है। मोतीलाल ओसवाल जो कि यहां पर एक जानी मानी ब्रोकरेज फर्म है, उसने भी टाटा मोटर्स के अंदर बाय की रेटिंग दी है और यहां पर 400 रुपये का टारगेट दिया है। यानी कि इस टारगेट के पीछे एक मेन रीज़न है कि यहां पर आपको शॉर्ट टर्म में, यानी कि Q1 के रिजल्ट और Q2 के रिजल्ट में डेफिनेटली यहाँ पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर आपको ऑटोमेकर के अंदर काफ़ी अच्छे बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, पिछले एक साल से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स टाटा मोटर्स ने बनाकर दिए हैं। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर भी यहां पर डिमांड काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, तो इन्हीं सब के बीच में इस शेयर्स के अंदर आप खरीदारी करके रख सकते हैं। टाटा मोटर्स के अगर वॉल्यूम बेस काम की तरफ भी आप नज़र मारेंगे तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, और ऐसा ही कुछ हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखने को मिला। कल के ट्रेडिंग सेशन में NSE और BSE में मिलाकर 17 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई थी, जिसके सामने 4 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर उठाई गई थी। और आज भी NSE और BSE के अंदर लगभग 12 करोड़ क्वांटिटी आज के दिन भी हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिली है। टाटा मोटर्स के जो शॉर्ट टर्म के टारगेट हैं वो डेफिनेटली यहां से बियरिश बन रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, जिसके बाद में यहां पर करेक्शंस आना डेफिनेटली पॉसिबल है। जिसको देखते हुए आपको टाटा मोटर्स के अंदर भी अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी कर रखी है तो थोड़े से लेवल्स का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, जिसमें पहले सपोर्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 300 रुपये का, उसको आपको यहाँ पर लेकर चलना है। दूसरा सपोर्ट 282 का और तीसरा सपोर्ट 252 का आपको यहाँ से लेकर चलना है। साथ ही साथ तीन जो बड़े रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं टाटा मोटर्स के, उन्हें भी जान लेते हैं। पहला रेजिस्टेंस 346 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस 375 रुपये का और तीसरा रेजिस्टेंस 392 रुपये का यहाँ से निकल कर आ रहा है। हालांकि जितनी भी
बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, 400 रुपये का टारगेट तो वो भी यहाँ से टाटा मोटर्स का आने वाले 6 मंथ के अंदर दे रही है। तो यदि आपने टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पिछले 1 साल के अंदर इस शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 201% तक के रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, और साथ ही साथ अगर आप टाटा मोटर्स से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट्स अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स कंटिन्यूसली बेसिस पर आपको प्रोवाइड करी जा रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं टाटा ग्रुप की अनदर कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर की तरफ से हमें यहाँ पर एनुअल जनरल मीटिंग की तो अपडेट्स आती हुई देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ में टाटा पावर की तरफ से एक बड़ी पार्टनरशिप भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं टाटा पावर के अंदर भी आज हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, साथ ही साथ ऑर्डर बुक की बात करें तो काफ़ी अच्छी बाइंग हमें टाटा पावर के अंदर भी देखने को मिल रही है। टाटा पावर के भी यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं वो 1000 रुपीज़ तक के आप लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी की ऑर्डर बुक है और जो कंपनी जिस प्रकार से यहाँ पर कंटिन्यूसली अपने बिजनेसेस को एक्सपांड करने के लिए आपको पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिल रही है, जिससे यहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आज के दिन भी हमें टाटा पावर के अंदर 1,74,00,000 क्वांटिटी NSE के अंदर ट्रेड होते हुए देखने को मिली, जिसके सामने 40,86,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर की तरफ से जो यहाँ पर पार्टनरशिप की न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं 6th of July 2021 यानी कि कल लेट नाइट ही ये न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आई है, जिसमें टाटा पावर टाई अप विथ कैलिफोर्निया बेस्ड ऑटो ग्रिड फॉर AI बेस्ड एनर्जी मैनेजमेंट। यानी कि अगर पूरी न्यूज में यहां पर कवर करूं तो आप देख सकते हैं टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन दैट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू नॉर्थ दिल्ली हैज पार्टनर्ड विद कैलिफोर्निया बेस्ड ऑटो ग्रिड फॉर डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। द फर्म्स हैव लॉन्च्ड अ यूनिक इंसेंटिव लिंक्ड बिहेवियरल डिमांड रिस्पॉन्ड प्रोग्राम टू सपोर्ट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्मार्ट मीटर्स एंड रिड्यूस नेटवर्क मैनेजमेंट कॉस्ट। तो यहां पर टाटा पावर अपने मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रख रही है, साथ ही साथ जो स्मार्ट मीटर हैं उनके नेटवर्क मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ये यहां पर हमें पार्टनरशिप देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि स्मार्ट मीटर की डिमांड यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, हमारी गवर्नमेंट भी यहाँ पर अब नॉर्मल मीटर को हटाकर स्मार्ट मीटर इस्टेब्लिश कर रही है, जिसमें ये पार्टनरशिप टाटा पावर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। दिस कम्स इन द बैकड्रॉप ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूविंग द मार्क्यू 3.03 ट्रिलियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रिफॉर्म्स स्कीम दैट इन्वॉल्व्स अ कंपलसरी स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दे रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फीडर्स टू द कंज्यूमर लेवल इंक्लूडिंग इन अबाउट 250 मिलियन हाउसहोल्ड्स। चलिए अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ चलते हैं जो कि यहाँ पर टाटा पावर की तरफ से एनुअल जनरल मीटिंग में यहाँ पर लिया गया है। टाटा पावर शेयर होल्डर्स अप्रूव से रीअपॉइंटमेंट ऑफ एन चंद्रशेखरन एज अ डायरेक्टर। जैसा कि आपको पता है कि एन चंद्रशेखरन यहाँ पर ऑलरेडी टाटा पावर के डायरेक्टर्स थे, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड था वो यहाँ पर कंप्लीट होने वाला था, जिसको देखते हुए यहाँ पर शेयर होल्डर से अप्रूवल मांगी गई थी टाटा पावर के अंदर एन चंद्रशेखरन के डायरेक्टर्स के पोस्ट को वापिस अप्रूव करने के लिए, वापिस रीअपॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट समय आते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टाटा पावर टू फोकस ऑन रिन्यूएबल्स डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर एन चंद्रशेखरन की तरफ से एक और अपडेट्स निकल कर आ रही है कि टाटा पावर अभी सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है। टाटा पावर इज अ क्लियर ग्रोथ प्लान विथ फोकस ऑन रिन्यूएबल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस। एन चंद्रशेखरन एज अ यूटिलिटी स्केल जनरेटर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द कंपनी कंटिन्यूज टू ग्रो इट्स EPC सोलर बिजनेस। द कंपनी इंटेंड्स टू एड एडिशनल कैपेसिटी ग्रो टू 15 GW साइज इन द कमिंग फ्यू ईयर्स। तो यहां पर कंपनी अपनी जो कैपेसिटी की ग्रोथ है उसे भी यहां पर कंटिन्यूसली बेसिस पर इंक्रीज कर रही है। साथ ही साथ टाटा पावर की तरफ से एक और बड़ी अपडेट यहां पर निकल के आ रही है, जिसमें टाटा पावर्स नो प्लान्स टू एक्सपांड इन थर्मल। जी हां दोस्तों, टाटा पावर के जो डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उनकी तरफ से ये अपडेट्स निकल कर आई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कल ही की अपडेट है, जिसमें टाटा पावर ने कहा है कि वो किसी प्रकार का प्लान यहाँ पर एक्सपांड नहीं कर रहे हैं थर्मल के अंदर।
टाटा पावर के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो बहुत शानदार यहाँ पर टेक्निकल रेटिंग निकल कर आ रही है, बुलिश मोमेंट अभी बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी बड़े टारगेट टाटा पावर के अंदर डेली बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। टाटा पावर के अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो तीन सपोर्ट टाटा पावर के 121.20 रुपये, 119.40 रुपये और 116.75 रुपये यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। साथ ही साथ रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 125.65 रुपये का, दूसरा रेजिस्टेंस 128.30 रुपये का और तीसरा रेजिस्टेंस 130.10 रुपये का निकल कर आ रहा है। अगर आप इन टाटा ग्रुप की दोनों कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और मिनिमम 5 to 10 years अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखते हैं तो डेफिनेटली इन दोनों शेयर्स के अंदर आपको 1000 रुपीज़ तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं। बस आपको पेशेंस बनाए रखना होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो करेक्शंस आपको देखने को मिल ही सकते हैं। जिस प्रकार से मार्केट ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, यहां से करेक्शन आना 100% पॉसिबल है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर द जेन्युइन इंफॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।